जेठानी सौतन और पति से लिया बदला। डोरबेल की आवाज सुनकर यामिनी बुदबुदाती हुई प्रणव को जगाती है। प्रणव, डोरबेल बज रही है, जाओ ना प्लीज। यार यामिनी, संडे को तो सुकून से सो लेने दिया करो। हाँ, अब मुझे ही बिस्तर से उतरना पड़ेगा। यामिनी आंख मलते हुए दरवाजा खोलती है तो वहाँ वैदेही खड़ी होती है, जिसे देखकर वह झुंझलाते हुए कहती है, वैदेही, तुम क्यों आई हो यहाँ? ओहो, कितने सवाल करती हैं आप जेठानी जी। उप्स, सॉरी, मेरी सौतन साहिबा। लेट्स गो बॉयज, लगेज अंदर ले लो। यस बेबी। ये सुनकर यामिनी फटी आंखों से उन लड़कों को देखते हुए फुसफुसाती है, ये दोनों छिछोरे इसे बेबी क्यों बुला रहे हैं? प्रणव, जल्दी बाहर आओ। अरे आ गया यामिनी। वैदेही, तुम यहाँ? थैंक गॉड, मेरे सेकंड हैंड पति ने मुझे पहचाना तो सही। क्यों आई हो तुम, और ये दोनों कौन हैं? ये दोनों मेरे पति हैं, रोमिल और वेदांत। क्या बक रही हो तुम, वैदेही शर्म बेच खाई है क्या बदजात? माय डियर हस्बैंड, हाइपर होने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। भूल गए, तुमने तो अपने खुद के भाई की बीवी के साथ नाजायज रिश्ता बना कर रखा है। हमारा रिश्ता नाजायज नहीं, प्रणव मेरा पति है और बकायदा मैं उसकी बीवी हूँ। गलत फहमी में जी रही हो आप जेठानी जी। समाज और अग्नि को साक्षी मानकर प्रणव ने मुझे अपनी धर्मपत्नी बनाया था, मैंने उन्हें तलाक नहीं दिया, इसलिए अभी भी मैं प्रणव की पत्नी हूँ। और इतना तो आप जानती ही हैं कि पहली पत्नी के रहते जात बिरादरी गैर औरत को किस नाम से पुकारती है। तू मेरी बीवी की आड़ में मुझे ब्लैकमेल करने आई है? मैं पुलिस को बता दूंगा कि तूने मेरे रहते दो पराए मर्दों को अपना पति बनाया है। शौक से जाओ प्रणव, मगर मैं भी तुम्हारे और जेठानी जी के अफेयर का पर्दाफाश कर तुम्हारे हर एक काले कारनामों का काला चिट्ठा खोल दूंगी। देवरानी की धमकियां सुनकर डर से यामिनी के हाथ पांव फूलने लगते हैं और वह मर्म लहजे में कहती है, ऐसा मत करना वैदेही, वैसे भी जब द्रौपदी के पांच पति हो सकते हैं तो तुम्हारे दो पति होने में प्रॉब्लम क्या है। इसके साथ देवरानी अपने दोनों पति के साथ कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तभी डबडबाई आंखों से जमीन पर वो बैठ जाती है। वैदेही, संभालो खुद को, अगर तुम ही टूटकर बिखर जाओगी तो कैसे लोगी अपने साथ हुए धोखे का बदला? मैं हर पल बिखर रही हूँ वेदांत, अपने पति और जेठानी से बदले में मैं खुद भी बदनाम हो रही हूँ। मेरे माथे पर लगा दो पति का ठप्पा चढ़ चुका है। मैं अपने ही हाथों इस झूठ को हवा दे रही हूँ, मगर ये झूठ सच से अनूठा है। मैं वैभव भैया को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। एकाएक वैदेही का टूटा मन बिसरी हुई स्मृतियों की तराई में उतर जाता है, जब वह प्रणव की पत्नी बनकर ससुराल आई थी। वैदेही, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। मैं बहुत छोटा था जब माँ बाबूजी चल बसे, मैंने प्रणव को बड़ी मेहनत से सींचा है। भगवान ने मुझे भाई तो दिया, मगर इस घर आंगन में एक छोटी बहन की कमी छिटकी रहती थी। आज तुम्हारे कदम पड़ने से वो सूनापन मिट गया। अजी बस भी करो, जरा मुझ जेठानी को भी दो बोल बतियाने दो मेरी देवरानी से। आओ वैदेही। अपने जेठ जेठानी का मधुरमय रवैया देखकर वैदेही बहुत खुश थी। उसका हर दिन खुशी के सूरज के साथ उगता और ढलता। वैदेही अपने ससुराल में घुल मिल चुकी थी, मगर प्रणव उसे कटा कटा सा रहता। एक रात हंसी ठिठोली की आवाज से वैदेही की आंख खुली। ये प्रणव इतनी रात को कमरे से कहां गए? बाथरूम में भी नहीं लगता है, बेडरूम से बाहर गए हैं। वैदेही कमरे से बाहर आती है तो हवा के झोंके से यामिनी के कमरे की खिड़की खुल जाती है, जहां प्रणव और यामिनी एक दूसरे की बाहों में लिपटे थे। यामिनी, ये लुका छिपी का खेल कब तक चलता रहेगा? मैं वैदेही को खुद से दूर रखने के बहाने बनाकर थक गया हूँ। बस कुछ दिन की बात है प्रणव, मैंने दवाइयों की डोज दुगनी कर दी है। बस आज की रात तुम्हारा भाई जान और जहान दोनों को टाटा बाय बाय बोलकर चला जाएगा। फिर हम वैदेही को ठिकाने लगा देंगे और शादी करके गोल्डन शुरुआत करेंगे। अपने पति और जेठानी की खौफनाक साजिश सुनकर देवरानी के कदमों तले जमीन खिसक जाती है और वह डबडबाई आंखों से कुड़ती हुई कहती है, इतनी बड़ी धोखेबाजी, मुझे इसी वक्त फौरन जेठ जी के दफ्तर जाना होगा। पति और देवरानी की धोखेबाजी को दिमाग में धरकर देवरानी डगमगाते कदम से दफ्तर आती है, जहां वैभव अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिन रहा था। वैभव भैया, आपको पता है जेठानी जी और प्रणव ने अपने नाजायज रिश्ते की आड़ में आपको मारने के लिए नशीली दवाइयां दी ताकि वो दोनों एक हो सके, और अब मैं उनके रास्ते का काटा हूँ, वो मुझे भी मार देंगे। नहीं वैदेही, आंसू बहाना बुद्ध जिले की निशानी है।
तुम्हें मेरी मौत और अपने साथ हुए धोखेबाजी का बदला लेना होगा, वरना इनका नाजायज संबंध रिश्तों के गढ़ को धराधाई करके बेवुद की नींव बन जाएगा। वादा करो। मैं वादा करती हूँ भैया। उस रोज से हर दिन मैं बदले की आग में धधक रही हूँ और इस बदले में मेरे दोनों दोस्त मेरी ढाल बन गए। वैदेही, हमें अपने अगले प्लान को अंजाम देना होगा। जेठानी जी। हरि ओ जेठानी जी, कहाँ हो मेरी सौतन साहिबा? क्या हुआ वैदेही, तुमने बुलाया? हाँ, मेरे दोनों पति को जोरों की भूख लगी है तो सोचा क्यों ना इन्हें अपनी जेठानी के हाथों का जायका चखाया जाए। सुनो कामिनी, मेरे लिए एक बटर ऑमलेट और सैंडविच बना दो। यामिनी, इज्जत से नाम लो। अरे क्या फर्क पड़ता है, यामिनी हो या कामिनी हो या कमीनी। वैदेही बेबी, लगता है तुम्हारी सौतन मुझ पर स्लिप हो रही है। देखो ना कैसे देख रही है, जैसे खा जाएगी। मेरी यामिनी का टेस्ट इतना बुरा नहीं, दूर हट। पल्लू में बांध कर रखो अपने दोनों पतियों को वैदेही। रोमिल डार्लिंग, चलो डांस करते हैं। इसी के साथ वैदेही प्रणव को जलाते हुए वेदांत और रोमिल के साथ डांस करने लगती है, जिसे देख प्रणव गुर्राते हुए मुट्ठी बांध कर बड़बड़ाने लगता है। जी तो करता है इन दोनों छिछोरों की हलक से जान खींच लूं। बस बहुत हुआ, दूर हटो मेरी वैदेही से। हाउ डेयर यू प्रणव, ये क्या बदतमीजी है? मेरे सामने मेरी बीवी को कोई हाथ लगाएगा तो मैं उनकी बोटी बोटी काट कर रख दूंगा। प्रणव, शायद तुम भूल गए कि तुमने खुद पति का ये पोस्ट छोड़ा है और वैदेही ने अपनी मर्जी से हम दोनों को हस्बैंड का हक दिया है। क्यों बेबी गर्ल? यस हबी, चलो चलते हैं। हर एक दिन के साथ वैदेही अपने दोनों पति के नाटकबाजी को बढ़ावा देती है, जिससे प्रणव के मन में उथल पुथल मच जाती है और वह यामिनी से खिंचा खिंचा रहने लगता है। प्रणव, हो क्या गया है तुम्हें? जब से वैदेही यहाँ आई है तुम उसके रमता जोगी बन गए हो, आखिर क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता गलत है, तो मेरे भाई की बीवी हो मेरी पत्नी सिर्फ वैदेही है। इसके बाद प्रणव सीधे वैदेही के पास आकर कहता है, वैदेही मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ धोखेबाजी की, मैं बहक गया था, मगर अब मेरी भटक खुल गई है, खींच लो इन अंधेरे से मुझे, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर गुस्से से दांत पीसती हुई जेठानी कहती है, वाह प्रणव, रंग बदलने में तुमने तो गिरगिट को भी मात दे दी। अरे क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, अरे जान छिड़कती हूँ मैं तुम पर, अपना तन मन तुम्हें दे दिया, यहाँ तक कि अपने हाथों से अपना सिंदूर मिटा दिया, मार डाला अपने पति को ताकि तुम मेरे साथ मेरे पास रह सको, मगर जब से ये मेरी देवरानी आई है तुम उसके देवदास बन गए हो, आज मैं उसे मार डालूंगी। जैसे ही यामिनी अपनी देवरानी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, वेदांत और रोमिल उसे हथकड़ी लगा देते हैं। चौंकिए मत यामिनी जी, ये सारी साजिश शब्दों की छेड़छाड़ थी, हम वैदेही के पति नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं, तुमने जो अपने गुनाहों को अंगीकार किया है वो इस फोन में रिकॉर्ड हो गया है, चलिए। नहीं वैदेही, मुझे माफ कर दो, मुझे जेल जाने से बचा लो, ये तुम्हारे किए की सजा है, अगर आज तुम्हें बचा लिया तो समाज के हर घर में यूं ही देवर भाभी अपने दायरे को भूलते रहेंगे। इंस्पेक्टर वेदांत, ले जाओ इसे। पुलिस यामिनी को लेकर चली जाती है और प्रणव पछताते हुए कहता है, वैदेही मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे एक मौका दे दो। तुमने मुझे धोखा दिया और मैं तुम्हें मौका दूं? कभी नहीं प्रणव, जब एक इंसान को पत्थर से ठेस लगता है तो वह लड़खड़ाते कदमों से चलने की हिम्मत बटोर लेता है, मगर जब एक पत्नी को अपने पति के हाथों धोखेबाजी का जख्म मिलता है तो वह घाव जीवन भर नहीं भरता। अब तुम भी अकेले तड़पोगे, यही न्याय और बदला दोनों है, जा रही हूँ मैं तुमसे बहुत दूर। यामिनी को अपने लड़खड़ाए कदमों की कीमत जीवन भर सलाखों के पीछे रहकर काटनी पड़ती है, वहीं प्रणव को ओछेपन के साथ जीना पड़ता है। आखिर में उन दोनों से अपने साथ हुए धोखेबाजी का बदला लेकर वैदेही दूसरे शहर आ जाती है, मगर पति से मिले धोखेबाजी की परछाई ने आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ा है।